हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DRX MediHub में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इको स्प्रिंट टैबलेट के बारे में, जानेंगे इस टैबलेट के बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी डोजेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो पर आप हमारे लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इको स्प्रिंट टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रिप्स है, पैकिंग है, जो कि यूएसबी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एस्पिरिन दिया गया है, जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये तीन तरह की स्ट्रेंथ में आता है, जो कि एस्पिरिन 75 mg, एस्पिरिन 150 mg, एस्पिरिन 325 mg। तो ये तीन तरह की स्ट्रेंथ में आता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि जो एस्पिरिन है वो क्या काम करता है। तो दोस्तों ये एक NSAID ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास में आता है, तथा उसके साथ साथ ये एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी भी रखता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाने के बाद जो क्लॉटिंग फॉर्मेशन होती है उसको बनने से रोकता है। यानी कि अगर मैं इसकी सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो थक्के होते हैं उनको बनने से रोकता है, यानी कि खून को ये पतला रखने का काम करता है। इस तरह से ये जो एस्पिरिन टैबलेट है वो अपना काम करती है। अब इसके यूजेज की अगर हम बात करें कि इसको हम किन किन यूजेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उसमें इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यानी कि जिसको हार्ट अटैक यानी कि दिल के दौरे की समस्या है वो इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं। जिनको माइंड में स्टॉक जो हो जाता है यानी जो क्लॉट जम जाते हैं, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में इस एस्पिरिन टैबलेट का यूज किया जाता है। देन उसके अलावा जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वहाँ भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है, तथा उसके अलावा जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया है, जिनका कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया है, जिनके मांसपेशियों में फैट बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो एस्पिरिन टैबलेट है यूज की जाती है। देन उसके साथ साथ ये NSAID के अंतर्गत आती है, तो इसका काम पेन रिलीविंग भी है। ये सिरदर्द या फीवर या कॉमन कोल्ड में भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज अगर आप माइग्रेन पेन या फीवर में कर रहे हैं तो आपको इसकी जो डोज है वो 325 mg लेनी होती है। तो इस तरह से इसको यूज करना होता है। इसका यूज एंजाइना की प्रॉब्लम में भी किया जाता है, यानी कि जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सीने में बहुत तेज दर्द होता है, सीने में भारीपन और जकड़न सी होती है, कभी कभी सांस लेने में भी बेचैनी और घबराहट सी होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस एस्पिरिन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ इंडिकेशन है जिनमें एस्पिरिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसकी डोज दिन में आप 2 बार तक ले सकते हैं, सुबह शाम इसको खाना खाने के बाद लेना होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में कि जो एस्पिरिन टैबलेट है इसको कब यूज नहीं करना चाहिए और किन व्यक्तियों को यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इनको जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो लैक्टेशन मदर हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बिल्कुल इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इसका यूज करें। देन उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को किडनी, लिवर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है वो भी इस टैबलेट का यूज ना करें, तथा जो 16 साल से कम उम्र के हैं वो व्यक्ति भी इस टैबलेट का यूज ना करें। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशन हैं। अब बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद आपको जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो नौजिया है, वॉमिटिंग है, आपके सीने में जलन हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग ऑफ डिफिकल्टी यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तथा आपको ब्लीडिंग ये भी समस्या हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस टैबलेट को आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल यूज ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इको स्प्रिंट टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।